जितना एक्सपेक्ट किया था इम्तियाज अली से उतना अच्छा मिला नहीं, और कुछ भी दिखाया है मतलब क्या दिखा रहे हैं, बहुत बकवास मूवी लगी, बहुत ख़राब मूवी लगी, इतना एक्सपेक्ट भी नहीं था। सॉरी, केमिस्ट्री उन दोनों की अच्छी थी, लेकिन अगर स्टोरी देखेंगे तो पूरी लव आजकल सैफ अली खान की मूवी, और इनफैक्ट डायलॉग्स भी सारे वही रिपीट कर दिए हैं उसमें, और कुछ भी खास इंटरेस्टिंग लगा नहीं मूवी। सॉन्ग्स अच्छे हैं, सॉन्ग्स अच्छे हैं, डायरेक्शन भी अच्छा है, बट स्टोरी इज नॉट टू गुड। एक्टिंग परफॉर्मेंस कार्तिक की अच्छी है, बाकी और जो दूसरी एक्ट्रेस है उनकी भी अच्छी है, और सोहली खान की ओके ओके। 2.5 लव आजकल कह सकते हैं लव आजकल, बट बहुत ज़्यादा जितना वो मतलब उम्मीद से आए थे कि चलो कुछ अच्छा होगा, वैसे मैं सच्ची बताऊँ मैं ये वो सोच के भी नहीं थी कि बहुत अच्छा होगा, बट ओके ओके कुछ बहुत ज़्यादा। सबके परफॉर्मेंस के बारे में क्या बताना चाहेंगे? कार्तिक, सारा, मुझे सारा में इमोशंस कहीं नहीं दिखाई दिए, बहुत फेक लगा मुझे इमोशंस उनके जहाँ जहाँ भी सेंस थे। कार्तिक का अच्छा लगा, दोनों में अच्छा लगा, कार्तिक 90s में भी एंड जो आज का था वो भी अच्छा लगा, एंड मुझे वो लड़की ज़्यादा अच्छी लगी जो 90s में दिखा रहे हैं। रणदीप का भी अच्छा था, क्या जिस तरह से ये कहानी में दिखाया गया है वो कितना पसंद आया डायरेक्टर? ठीक ठाक है, बट मुझे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं दिखाई दिया कि 90s में एंड आज में। इवन मैं तो सोच रही थी कि शायद मुझे ही कोई मैसेज मिले कि आज हम ये सब जो चलता है दिमाग में, बट मैं लास्ट तक सोचती रही कि ऐसा कुछ मुझे मिले, मैसेज मिले, बट मुझे ऐसा कुछ मिला ही नहीं कुछ कि कुछ चलो ठीक है जो तब होता था तो आज हम कर रहे हैं तो आज हम किस रास्ते पे जाएं, वैसा कुछ मैसेज मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। वो वाली ऑडियंस एंजॉय कर लेगी क्योंकि उनको सिर्फ मस्ती करने के लिए यहाँ पे आना है, बट मूवीज़ वाइज एंड सारी चीज़ों को अगर देखते हुए देखा जाए, मैं उसी पर्पज़ से देख रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ तो मैंने 4 ही बोला है। दिल से पूछिए तो मूवी बहुत अच्छी नहीं लगी, मूवी लंबी बहुत की है, स्लो बहुत की है, एक्टिंग वाइज बहुत अच्छी है, सारा ने जो रोल बोल्ड न्यू युवती का रोल किया है करियर के हिसाब से वो बहुत अच्छी लगी, लेकिन पिक्चर में स्टोरी में कोई दम नहीं लगा, मिक्स कर दिया उसने ओल्ड और न्यू को, उसमें कंफ्यूजन बहुत होता है और ज़रा भी मज़ा किसी को भी आया नहीं। इम्तियाज अली का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें इम्तियाज अली साहब इस पिक्चर को और बहुत ऊंचे स्तर पर ले जा सकते थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि ये पिक्चर में दम नहीं निकला। अगर सॉन्ग्स की बात करूं तो कितना एंजॉय किया? सॉन्ग्स में देखिए वो प्रीतम जी का लिरिक कंपोज किया हुआ है ना, तो वो गाने अच्छे हैं और उसमें वर्डिंग्स और म्यूजिक भी बहुत अच्छे हैं। आज के हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा इसमें अट्रैक्ट होगी, न्यू कमर या जो न्यू एज जनरेशन है वो भी हमको नहीं लगता है कि उसको भी अच्छी लगेगी। तो 5 में से कितना स्टार हो गया? स्टार वाइज तो देखिए मैडम इसमें 1.5 या 2 बहुत हो गए, इंटरटेनमेंट बोल के इसमें कुछ है नहीं, और लोग अभी खुशियाँ मनाने आते हैं कुछ हंसी मजाक हो ये सब कुछ है नहीं। द मेन अट्रैक्शन ऑफ द मूवी वॉज द केमिस्ट्री बिटवीन कार्तिक एंड सारा सार्थिक, तो उन्हीं को मतलब देखते रहो कंटिन्यू, मतलब ऐसा लग रहा था कि उन लोग नेचुरली आ रहे हैं सब, उन लोग खुद से कुछ मतलब एक्टिंग कर ही नहीं रहे, असली में कर रहे हैं सब चीज़। कितना एंजॉय किए या कितना एंटरटेन किए? बहुत ज़्यादा एंटरटेन की वजह बताया मैंने अभी, इंटरवल में उठने का मन नहीं हो रहा था, लग रहा था ब्रेक व्रेक आने ही नीचे चलते रहे, 3 की जगह 6 घंटे की मूवी चलते रहे इन लोग की, ऐसा लग रहा था। स्टोरी मतलब सब बोल रहे हैं कॉन्सेप्ट फर्स्ट वाली से सेम है, बट ओके मतलब आजकल तो पूरी की पूरी मूवी सेम बना दे रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट सेम है पर थोड़ा स्टोरी चेंज किया है, तो इट्स नाइस मतलब अच्छा किया। आप कितना रिलेट कर पाए ना? तो मेरे मैं खुद 19 इयर्स का हूँ, उसमें उनकी भी एज 22-23 है, तो क्वाइट रिलेटेबल है कि मतलब एक ही एज ग्रुप में हो रहा है तो एकदम रिलेट हो पा रहे हैं। हमारे यंग ग्रुप को तो बहुत, अगर एक बार ट्रेलर अच्छे से देखेंगे तो उनको तो बहुत एंगेज करेंगे, बट अब पता नहीं बड़े लोग बोलेंगे कि क्या मूवी देखना है सब वो सब मत देखो। मैं सिर्फ यही मैसेज लेके जा रहा हूँ कि अपनी सुनो, जैसे उन्होंने अपनी दिल की बात सुनी, करियर वरियर छोड़ो तो जो दिल बोलता है वो करो। बट डिसअपॉइंटिंग बिकॉज आजकल आपने जब आप पार्ट 1 देख रखी हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन पार बढ़ता है, सो पार बढ़ा के नहीं आएंगे तो यू विल एंजॉय इट, अदरवाइज यू विल नॉट। सारा इज वेल, शी इज़ फाइन, जैसे आजकल की लड़कियाँ होती हैं, शी हैज़ डन इट, यू नो
confused youngsters, so she has done it well. And Kartik Aaryan is way better in a guy who has played a 20-20 wala part. He's better in that. Okay, so what about Shreya? He's good as ever. He's good as ever. He'll not disappoint. Direction will not. This thing you like the most? I think the second part of Kartik Aaryan, where he has played really emotional guy, you know, what Deepika played in the last movie. So you can relate it that way. One USP point. 2.5. USP point, music is good. For me, music was really good. I enjoyed the music. Kar paegi, bahut bhar bhar ke pyar, mohabbat hai. And if you are a bit into that more of a, you know, emotional kind of a person, you'll definitely be able to. Film love aajkal love uske entertain nahi kar paayi aur situation pata nahi kaisi kaisi dal di aur romance ko nahi samjha paaya. Kartik Aaryan jaisa actor pati patni wo mein bahut acha entertain kiya tha, par is film mein nahi kar paya. Kya kuch expect kar rahe the? Kar rahe the ki love aajkal se achhi ho, par utna uske to aadhe mein bhi nahi aaya. कार्तिक और सारा की परफॉर्मेंस कह सकते हैं कि गुड अनन्या पांडे के साथ जितना या फिर इसके साथ में अच्छा था उतना इसमें नहीं मजा आया. उनकी केमिस्ट्री को आप एंजॉय कर पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं. कुछ समझ में नहीं आता सीन में सिचुएशन क्या चल रहा है. इसमें रणदीप हुड्डा भी है, उनकी परफॉर्मेंस कितनी पसंद आई? उनका वो थोड़ा बैकग्राउंड में फ्लैशबैक में उनकी स्टोरी आती है तो वो समझाने के लिए, पर फिर भी ठीक है, अच्छा है. डायरेक्शन वाइज कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से सीन सेट किए गए हैं और लोकेशन अच्छी अच्छी हैं. हिमालय दिखाया है और पूरा मनाली दिखाया है, लद्दाख दिखाया है, तो अच्छा है सीन और डायरेक्शन भी अच्छा है, पर एंटरटेन नहीं करा पाया. पार्ट तो मेरे को नहीं पसंद आया, बस सारा लिखान का एक चीज़ अच्छी लगी मेरे को कि चलो ठीक है, अपने करियर के लिए फोकस करती है, बड़े बड़े इवेंट हायर करने के लिए अपनी मेहनत करती है और कार्तिक को छोड़ देती है, पर फिर जब उसके बाद में कम बैक करती है तो वो सिचुएशन मैच नहीं हुई, मज़ा नहीं आया. सॉन्ग्स जितने भी थे कोई भी याद नहीं हुआ, बैकग्राउंड में चल रहे थे कुछ या फिर कुछ सिचुएशनल सॉन्ग थे जो कंडीशन के हिसाब से चल रहे थे. ओके, तो ये आज वैलेंटाइन डे पे रिलीज हुई है, ऑडियंस कितना एंजॉय करेगी, क्यों कितना एंजॉय कर पाएगी? ये तो ऑडियंस ही बताएगी. शाम तक और अच्छे रिजल्ट आते हैं तो अच्छा है. इम्तियाज अली की फिल्म है, लोग उनके नाम पर देखने आएंगे फिल्म, पर मुझे नहीं लगता खास कमाल कर पाएगी. वेरी बैड. आई केम विद अ वेरी डिफरेंट एक्सपेक्टेशन कि बहुत अच्छी मूवी रहेगी, इसका हाइप भी काफ़ी अच्छा था, बट आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड विद इट. सारा एंड कार्तिक का तो कार्तिक परफॉर्मेंस इज ओके. ही इज नॉट लाइक नॉर्मली जब इस रोमांटिक कॉमेडीज होता है तो ही इज लाइक दैट इज हिज फोर्टे. ही इज वेरी गुड एट दैट काइंड ऑफ रोल. यहाँ पे इज लाइक ही स्ट्रगलिंग, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इमोशनल सीन तो ही स्ट्रगलिंग. उसका कैरेक्टर ही थोड़ा ऐसा व्हाट डू यू से थोड़ा शाय टाइप का दिखाया, सो वी आर नॉट यूज टू सीइंग कार्तिक आर्यन शाय. थोड़ा ऐसा यू नो अलग, थोड़ा सख्त लौंडा होना चाहिए, बट यहाँ पे तो बहुत ही ढीला लगा है. एंड सारा अली खान इज लाइक इमोशनल सीन में शी ओवर एक्ट्स अ लॉट, तो इट वाज नॉट अप टू द मार्क. व्हेयरएज इन केस ऑफ द न्यू गर्ल आरुषि शर्मा एंड कार्तिक आर्यन का, उन दोनों का सीन्स काफ़ी अच्छे थे. वेरी गुड. सो व्हाट अबाउट इम्तियाज अली का एक्शन? वेरी बैड. आई मीन बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग, बिकॉज मैन जब हैरी मेट सेजल, वी नो व्हाट हैपेंड विद दैट मूवी, सो आई थॉट दैट मेट बी लाइक वन मिस्टेक हैपेंड फ्रॉम हिम, बट व्हेन ही डिड दिस मूवी इज लाइक द सेकंड मिस्टेक. You can't repeat the same thing again. And whereas in case of the movie ka story same hi hai jo Love Aajkal 1 mein tha. Just thoda screenplay thoda sa alag hai, but story same hi hai. Jaisa wo pichli movie mein Rishi Kapoor unki past ki story bata rahe, isme Randeep Hooda bata raha hai. So, but screenplay itna dheela rakh diya tha, there is nothing fun. And kuch comedy scenes hai hi nahi, there is nothing lighter moments in the movie. So what about Randeep Hooda? Randeep Hooda is good. रणदीप हुड्डा उनका ज़्यादा रोल नहीं है, बट जितना भी है इज गुड. मैं तो बोलूँगा लोगों को वैलेंटाइन एंजॉय करना है तो तुम बाहर जाओ, यू नो, हैव अ गुड टाइम रादर देन गोइंग टू दिस मूवी. इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि मुझे मूवी कैसी लगी, आप सबको वैलेंटाइंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और मूवी बहुत ही राइट टाइम पर रिलीज़ हुई है, लव आजकल, आजकल का जो प्यार है. मुझे मूवी बहुत ही एवरेज लगी. आई थिंक इससे पहले मलंग आई थी, उसमें भी बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटीज दिखाई गई थी और ड्रग्स सेक्स के ऊपर. ये मूवी में भी यही है, कैजुअल रिलेशनशिप्स, प्लेइंग्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स. सो इम्तियाज़ अली की मूवीज़ थोड़ी समझनी मुश्किल होती हैं, लेकिन ये मूवी का एक प्लस पॉइंट है वो है म्यूज़िक. म्यूज़िक बहुत अच्छा है मूवी का, जो बांध के रखता है. एडिटिंग पे ध्यान दिया गया, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं किया मूवी को. सिनेमेटोग्राफी अच्छी है अमित रॉय की. सो इम्तियाज़ अली का डायरेक्शन अच्छा है, बट बहुत सारे रैंडम सीन्स है, बहुत कुछ दिखाया गया है. यू गो इन फ्लैश बैक देन यू कम बैक, तो इट्स अ क्लास, इट्स फॉर क्लास ऑडियंस, इट्स नॉट अ मास एंटरटेनर.
कार्तिक आर्यन सेम काइंड ऑफ रोल्स किए जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि प्यार का पंचनामा 1-2 उसमें मोनोलॉग था, फिर सोनू की टीटू की स्वीटी और अभी ये मूवी लवर बॉय का, ठीक है आपने रोल किया, ही नीड्स टू टेक अप डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स. लुक एट आयुष्मान खुराना, लुक एट राजकुमार राव, अगर उनको अपनी वर्सेटैलिटी दिखानी है तो उनको अलग रोल्स अभी करने पड़ेंगे. सेम काइंड ऑफ एक्सप्रेशन ऑल थ्रू द मूवी, इवन दो ही हैड टू डिफरेंट रोल्स. आई थिंक उनसे मुश्किल सारा अली खान का रोल था कि यू नो शी हैड सच अ टफ रोल, गमट ऑफ इमोशंस, शी इज हैप्पी, शी इज एक्साइटेड, शी इज डिप्रेस्ड, शी इज इरिटेटेड, शी इज फ्रस्ट्रेटेड, और वो सब सम अप होके एक लास्ट सीन में आ जाता है वे यू नो शी ब्रेक्स डाउन बिकॉज शी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, शी गेट्स इनटू कैजुअल रिलेशनशिप्स. ऑन द अदर हैंड कार्तिक आर्यन का भी वही है, यू नो ही इज फ्रिवोलस, ही फ्लर्ट्स अराउंड, ही गेट्स इनटू कैजुअल रिलेशनशिप्स, एक्सट्रामैरिटल अफेयर्स. तो वही दिखाया गया कि आजकल का लव जो आजकल है बहुत ही, पीपल हैव टेकन ईच अदर फॉर ग्रांटेड, कैजुअल रिलेशनशिप्स है, कैजुअल सेक्स है, एंड दे आर नॉट सीरियस अबाउट ईच अदर. बेस्ट थिंग इज द म्यूजिक, आई थिंक म्यूजिक जो है वो बहुत ही अच्छा है. प्रीतम का एक गाना है शायद, फिर एक महरमा, ऑल द सॉन्ग्स आर वेरी गुड. म्यूजिक बांध के रखता है मूवी का, और स्क्रीन प्ले पे ध्यान देना चाहिए था. इवन दो स्टोरी कुछ ऐसी स्टोरी है जो लोगों को आज रियलिस्टिक लगेगी, रिलेटेबल लगेगी आज की यूथ को, क्योंकि इट इज़ हैपनिंग इन अ सोसाइटी, बट उसको आप कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है. रिलेट कर पाएगी स्पेशली यूथ, यंगस्टर्स बहुत थे और वो रिलेट कर पाएंगे क्योंकि वो दे गेट इन टू सच कैजुअल रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, कि आजकल रिलेशनशिप यू नो बहुत आसान है, एक रिलेशनशिप में पढ़ना और उससे बाहर निकलना, इतने सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं. सो वो जो पहले की संजीदगी होती थी, पुराने ज़माने में लोग लेटर लिखते थे और फिर एक दूसरे का इंतजार करते थे. सो पीपल हैव टेकन, आई एम सेइंग ओवर एंड ओवर अगेन, दैट दे हैव टेकन लव फॉर ग्रांटेड. तो ये इट वॉन्ट लास्ट लॉन्ग. इफ यू वॉन्ट कंपैटिबिलिटी इन योर रिलेशनशिप, इफ़ यू वॉन्ट टू बी हैव दैट पेशेंस यू नो टू वेट फॉर ईच अदर, टू गिव ईच अदर स्पेस, आजकल स्पेस नहीं देते. अगर कोई यू नो बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन नहीं करता तो शी कीप्स ऑन कॉलिंग, मुझे फ़ोन नहीं किया, बिकॉज इतना यू नो दे आर अवेलेबल टू ईच अदर ऑल द टाइम, सो इट इज़ नॉट राइट. मैसेज ये कि डोंट यू नो योर रिलेशनशिप वॉट एवर इट इज, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, नंबर वन. नंबर टू, डोंट गेट इन टू कैजुअल रिलेशनशिप्स. लव इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल इंटीमेसी, इट्स इज मच मोर देन दैट. एंड नंबर थ्री इज़ यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन लव एंड सेक्स, कि यू नो लव बहुत ही इंटेंस चीज़ है. यू नो हम हीर रांझा की बात करते हैं, सोनी महिवाल, तो ये बहुत ही यू नो इंटेंस चीज़ है. लोग एक दूसरे के लिए मर जाते थे यू नो, अगर उनका पूरी, इट्स अ लाइफ लॉन्ग इटर्नल रिलेशनशिप, कहते हैं 7 जन्मों का जो बंधन है, तो वो बंधन को आप यू नो इस ऐसे कैजुअल रिलेशनशिप में पढ़ के बदनाम मत कीजिए. मुझे इनका किरदार बहुत अच्छा लगा, रणदीप हुड्डा का, बहुत ही रेस्ट्रेंड और ठहराव वाला कैरेक्टर है. एंड देयर इज वन न्यू गर्ल आरुषि, इवन हर रोल इज वेरी गुड, बट आई थिंक सारा अली खान इज नोट वर्दी. पहली मूवी में सैफ अली खान ने इतना क्लासी और बढ़िया किरदार निभा, और अभी उनकी बेटी सारा अली खान, तो कुडोज टू बोथ ऑफ देम.